हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नास्त्री दमस और कल्कि अवतार के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर दीजिएगा, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो भी कर दीजिएगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, ना पसंद आया तो डिसलाइक करना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वशिष्ठोत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे, अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। पुराणों में भारत में आज तक होने वाली सभी शासकों की वंशावली का उल्लेख मिलता है। पुराणकार पुराणों की भविष्यवक्ताओं का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा, जैसा कि आप इस समय में देख भी रहे हैं। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे, जिनका कोई धर्म नहीं होगा। दोस्तों, इसमें ऐसा कहा गया है कि ये सभी लोग विधर्मी होंगे, ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। दोस्तों, याद दिलाना चाहूँगा कि ये सारी बातें अखंड भारत के रूप में कही गई हैं, लेकिन आज भारत विभाजित हो चुका है। दोस्तों, आज भी भारतीय नेता झूठे वादे और खतरनाक इरादे के साथ सत्ता में आकर देश को लूटना ही नहीं चाहते, बल्कि इसे तोड़ना भी चाहते हैं। इससे पहले नेहरू और जिन्ना ने मिलकर धर्म के नाम पर देश को तोड़ ही दिया था। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भविष्य में गंगा नदी पुनः स्वर्ग चली जाएगी और फिर गंगा किनारे बसे तीर्थ स्थलों का कोई भी महत्व नहीं रहेगा, वे नाम मात्र के ही तीर्थ स्थल रह जाएंगे। ऐसा कुछ जगह हो ही चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं नर और नारायण पर्वत के बारे में। पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है और इस नदी को किसी भी प्रकार से प्रदूषित करने का बहुत ही भयंकर परिणाम होगा, और इसके विषय में कहा गया है कि भयंकर त्रासदी भी आ जा सकती है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और भी अधिक विस्तार से जानते हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा, तब लोगों की आस्था लोभ लालच और काम पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी। ढोंगे और पाखंडी भक्तों का साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी संत जन धर्म की गलत व्याख्या करके समाज को दिशाहीन करेंगे। तब इसका परिणाम यह होगा कि धरती पर मनुष्य के पाप धोने वाली गंगा भी स्वर्ग में वापस चली जाएगी। दोस्तों, इस तरीके की कई बातें कही गई थी, जिसमें हमारे जो नास्तिकदमस थे, जो बहुत ही काफ़ी बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे, उन्होंने भी काफ़ी इसके विषय में भविष्यवाणी की थी। चलिए दोस्तों, आज उसी के बारे में ही बात कर लेते हैं। नास्तिकदमस ने तीसरे विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी की है, उसी के साथ उसने ऐसे समय एक राजनेता के जन्म की भी भविष्यवाणी की थी, जो दुनिया का मुखिया होगा और विश्व में शांति लाएगा। लेकिन यह महान व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा, इस बात को लेकर अभी बहुत ही मतभेद है, तब भी था। हालांकि ज़्यादातर जानकार मानते हैं कि दुनिया का मुक्तिदाता भारत में ही जन्म लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस महापुरुष ने जन्म ले ही लिया हो और वह राजनीति में सक्रिय भी हो। वह राजनेता होगा या धर्म योद्धा, यह कहना मुश्किल है। दोस्तों, ये थी नास्तिकदमस की भविष्यवाणी। तो इसमें कुछ लोग इसी महान योद्धा जन्म लेगा, इसके विषय में कहते हैं कि वो कल्कि अवतार होगा। कुछ लोग ऐसा नहीं भी मानते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं और मैं इस पर इतना ही अध्ययन कर पाया हूँ, ज़्यादा तो अध्ययन मैंने नहीं किया है। तो मैं दोस्तों थोड़ा बहुत आपको अपने हिसाब से बताना चाहूँगा। दोस्तों, कल्कि पुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में से एक है। यह एक उप पुराण है। दोस्तों, इस पुराण में भगवान विष्णु के 10वें तथा अंतिम अवतार की भविष्यवाणी कही गई है और कहा गया है कि विष्णु का अगला अवतार यानी कि महाअवतार इसी सदी में यानी कि 4320वीं सदी में लेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ तो भैया जो है थोड़ा बहुत सब्सक्राइब उसका कमेंट वगैरह भी तो कर दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़े। चलिए दोस्तों, वीडियो को यही वाउंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, गुड बाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।